हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। उड़ान जिसे सोरा राय पटरू भी कहा जाता है, वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सुरती और गणेशा ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और COVID-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर Amazon प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोरा राय पटरू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5
पुरस्कार जीते सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगरा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सूर्याराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सूर्याराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगरा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगरा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की
हदों का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पनोरमा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम वक्तवसलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशा ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और
चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पनोरमा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करणों के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल हैं
और मोहन बाबू, उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई, चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगरा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य
नए साउंड ट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान, जिसे सोराराई पटरू भी कहा जाता है, वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है, जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या, अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू, उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई, चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद काराम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराई पटरू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बालमुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो
फिल्म के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कोंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कोंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कोंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशा ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोरराय पोटरू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पनोरमा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा
कुंगरा और नायर, और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पना बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू एम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सूर्याराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सूर्याराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगरा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगरा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशा ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी
किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पनोरमा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी।
जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी
आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पनोरमा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगरा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करणों के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है।
प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान, जिसे सोराराई पट्टू भी कहा जाता है, वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है, जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या, ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या, अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू, उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई, चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराई पट्टू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बालमुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ संस्करणों के उपग्रह डिजिटल
टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात करें मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोरराय पोटरू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार।
नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पना बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशा ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था
वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोटरू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पनोरमा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्त सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करणों के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत
भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सुरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर
गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई इन डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई, चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगरा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई
उड़ान जिसे सोराराई पटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराई पटरू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बालमुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को
को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोट्रो का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कोंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंड ट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कोंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कोंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कोंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोरराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कोंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक
फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है। फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर Amazon प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद काराम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के
निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पनोरमा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगरा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगरा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगरा और शालिनी उषा नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का
संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सुरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम
लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई इन डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई, चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पट्रू भी कहा जाता है वो एक
2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है, जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशा ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बालमुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करणों के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14
जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कोंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कोंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कोंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कोंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोरराय पोटरू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कोंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कोंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के
साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो सूर्यम, नेदुमारुन, माराम, राजगंग, गम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में, अर्पना बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ संस्करणों के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंड ट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या, अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई, चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर Amazon प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद काराम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोरराय पोटरू
को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगरा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्त सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोरराय पोटरू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगरा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगरा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी वीरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज
पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्य के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्य एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है जिसे सुधा कुंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा सहनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सुरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बाल मुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन
सिंपल इन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद काराम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगारा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगारा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगारा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बाल मुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल। मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करण के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के दिन सन टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में तो सोराराय पोट्रू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कुंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंडट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। उड़ान जिसे सोराराय पोट्रू भी कहा जाता है वो एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की आत्मकथा ड्रामा फिल्म है।
जिसे सुधा कुंगरा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और सूर्या ज्योतिका और गुनीत मोंगा द्वारा स्वनिर्मित है। कुंगारा और शालिनी उश्याम नायर ने पटकथा लिखी। आलिफ सूरती और गणेशान ने अतिरिक्त पटकथा प्रदान की और विजय कुमार और पी विरुमंडी ने संवाद लिखा। फिल्म में सूर्या अपर्णा बालमुरली और परेश रावल है और मोहन बाबू उर्वशी और अरुणा सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म जी आर गोपीनाथ के जीवन की पटकथा से प्रेरित थी, जो भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपलिन डेक्कन के संस्थापक थे, जैसे कि उनके संस्मरण सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी में वर्णित है। प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 के मध्य में वर्किंग टाइटल सूर्या 38 के तहत की गई थी और अप्रैल 2019 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई और सितंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मदुरई चेन्नई और चंडीगढ़ में हुई थी। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म के संगीत की रचना की थी, जबकि निकेत भूमि रेड्डी छायाकार थे और सतीश सूर्या ने फिल्म का संपादन किया था। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज पोस्ट प्रोडक्शन में देरी और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई थी। इसी 12 नवंबर 2020 को दिवाली त्यौहार की पूर्व संध्या पर अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था और साथ ही मलयालम और कन्नड़ में इसके डब किए गए संस्करणों को एक ही शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और एक तेलुगु डब को आकाशम मतलब उड़ान की हद का राम 4 अप्रैल 2021 को उड़ान नामक एक हिंदी डब संस्करण जारी किया गया था। वही फिल्म के प्रमुख तकनीकी पहलू और लेखन सूर्या के प्रदर्शन और कुंगरा के निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ सोराराय पोट्रू को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। इसी 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में प्रदर्शित होने वाली 10 भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। फिल्म ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुनर्मा सेक्शन में भी प्रवेश किया था। इसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 5 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा और सर्वश्रेष्ठ पटकथा कुंगरा और नायर और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर प्रकाश कुमार। नवंबर 2022 में एक हिंदी रीमेक फिर से कुंगरा द्वारा निर्देशित और सूर्या द्वारा निर्मित रावल के साथ अपनी भूमिका को दोहराते हुए निर्माण में भी है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सूर्या नेदुमारुन माराम राजगंगम के रूप में है और सुंदरी भूमि नेदुमारुन के रूप में अर्पणा बालमुरली है और परेश गोस्वामी के रूप में परेश रावल, मोहन बाबू यम भक्तवत्सलम नायडू के रूप में है और पेची राजंग गम के रूप में उर्वशी है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ संस्करणों के उपग्रह डिजिटल टेलीविजन अधिकार सन टीवी नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल त्यौहार के 3 सन
टीवी पर हुआ था। वही बात कर मूवी के पुनर्निर्मित के बारे में, तो सोरराय पोटरू का हिंदी रीमेक में बनाया जा रहा है फिर से कोंगाराम द्वारा निर्देशित और सूर्या और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित। इसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान हैं। इसमें परेश रावल अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। सूर्या एक केमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। जीवी प्रकाश कुमार को अन्य नए साउंड ट्रैक बनाने के लिए संगीतकार के रूप में बनाए रखा गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।